Democracy in Pakistan. So, the evolution of democracy in Pakistan reflects the country's political journey from its inception to the present day, marked by periods of democratic governance and military rule. Then, understanding the development of democracy is crucial for analyzing Pakistan's political stability and future prospects. So, Pakistan ke andar jo jamhooriyat ki tarakki hai ya mulk ke siyasi safar wo ye zahir karti hai jo jamhoori hukumat aur jo hukmranon ke matlab yani ke unke dauron se guzra aur iske sath sath jo jamhooriyat ki tarakki ko samajhna Pakistan ke siyasi istiqam aur mustaqbil ke imkanat ko analyze karna necessary hai. तो अगर हम इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखें जिसमें प्री इंडिपेंडेंस एरा देखें यानी आजादी से पहले का दौर तो ब्रिटिश इंडिया स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑटोनॉमी लेड टू द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स एंड कल्मिनेटिंग इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. तो इससे जो बरतानवी हिंदुस्तान था यानी सियासी नुमाइंदगी और खुद मुख्तारी की जो उनकी जदोजहद मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के क़याम को फिर इस क्याम की वजह बना और जो फिर पाकिस्तान के क्याम पाकिस्तान का क्याम हुआ और फिर उसके अंदर जो मुस्लिम लीग का रोल था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कायदीन के क्यादत में थी और मुसलमानों के जो हकूक और पाकिस्तान के क्याम के अंदर उसने बहुत अहम किरदार अदा किया था. इस तरह की और दूसरी मूवमेंट्स ने भी जो कुछ इस्लामी मूवमेंट्स स्टार्ट की गई थी उन्होंने वो बाद में वो भी जो है पाकिस्तान की को अलग रियासत बनाने के अंदर उन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया था. सो अर्ली इयर्स ऑफ पाकिस्तान 1947-1958 इनिशियल डेमोक्रेटिक एफर्ट्स 1947-1951 देखे जिसमें अर्ली गवर्नेंस थी इसमें इंडिपेंडेंस और पार्टीशन हुई यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिश हुई और पाकिस्तान हुआ और अर्ली गवर्नेंस चैलेंजेस जो थे उसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी फॉर्मेशन एंड अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके साथ जो आज़ादी की तकसीम थी पाकिस्तान का क्याम हुआ फिर जो पहली आयन असम्बली थी उसका उसको तश्कील दिया गया उसकी कोशिशें की गई इसको तश्कील देने के लिए. इसके साथ साथ जो 1951-1958 देखें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को सो पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडरशिप इमरजेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अर्ली लीडरशिप अंडर लियाकत अली खान एंड सब्सिक्वेंट लीडर्स देन फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप लीडिंग टू इन इफेक्टिव गवर्नेंस. तो जो सियासी इस्तेकाम था 1951-1958 तक तो सियासी जमातें और जो थी उनका वो उभरी और फिर लियाकत अली खान जो दीगर कायदीन हैं उनके उन्होंने इब्तदाई तौर पर उनकी क्यादत की थी और फिर उसके बाद हुकूमत में बार बार तब्दीलियाँ आईं अदम इस्तेकाम पैदा हुआ क्यादत में बार बार तब्दीलियाँ आईं जो हुक्मरानी के लिए एक गैर मुसर चीज़ थी. सो नेक्स्ट हम देखें एरा ऑफ मिलिट्री रूल जो 1958-1971 तक रहा तो जनरल अयूब खान की जो रजीम थी जिसमें वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप उसकी रही 1958-1969 तक मार्शल लॉ इम्पोजिशन अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया और इस तरह से जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस था उसको सस्पेंड कर दिया. इस तरह जो इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स की गई अयूब खान के दौर में अयूब खान की जो पॉलिसीज थी मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स की गई अयूब खान की तरफ से और इसके साथ जो पॉलिटिकल सेपरेशन भी थी यानी पॉलिटिकल अपोजिशन जो पार्टीज थी या पॉलिटिकल अपोजिशन थी उसको दबा दिया गया था. जनरल याजा खान की रजीम आई वो जो कि 1969-1971 तक रही जिसमें मिलिट्री रूल जो है वो इस्तेमाल होता रहा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की गई इसके अंदर और इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस हुई थी और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट भी हुई थी. देन 1970 इलेक्शंस एंड क्राइसिस और 1970 के जो इलेक्शंस थे जिसमें पॉलिटिकल क्राइसिस उसके नतीजे में आया और फिर इसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश बन गया. सो डेमोक्रेटिक रिवाइवल अगर हम देखें 1971-1988 तक जमहूरियत की जो वापसी हुई वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से हुई और जो 1971-1977 तक रहा रिटर्न टू डेमोक्रेसी. सो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइजिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देन इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज भुट्टो पॉलिसीज ऑन लैंड रिफॉर्म्स नेशनलाइजेशन सोशल जस्टिस देन पॉलिटिकल चैलेंजेस भी थे उनको अपोजिशन और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज का सामना था. तो वो फिर ये जो कंट्रोवर्सी थी भुट्टो की हुकूमत को जो है वो डिसमिसल की तरफ लेकर गई थी लेकिन भुट्टो ने अपने जो है इसलाहत की थी कुछ और समाजी इंसाफ की पॉलिसी के ऊपर भी काम किया था. तो इसके साथ जो अगर हम नेक्स्ट देखें जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर आ गया. जनरल ज़ियाउल हक़ की रजीम थी 1971-1988 सो मिलिट्री रूल रहा पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ एंड इस्लामिक रिफॉर्म्स लेकिन मार्शल लॉ इसके अंदर इम्पोज किया गया था फिर इसमें इस्लामिक लॉ इंट्रोड्यूस हुआ और कुछ कंजर्वेटिव पॉलिसीज बनाई गई थी
लेकिन इस दौर में भी अपोजिशन पार्टीज को सिविल जो लिबर्टीज थी उनको सप्रेस कर दिया गया था। देन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन 1988 to 1999, फिर इसके बाद एक बार फिर जमहूरियत की वापसी हुई बेनजीर भुट्टो के फर्स्ट टर्म से, जो कि 1988 से 1993 तक था। सो इलेक्शन विक्ट्री बेनजीर भुट्टो इलेक्शन एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली खतून वजीर आजम बनी बेनजीर भुट्टो। और उसके बाद उनको गवर्नेंस और कुछ चैलेंजेस का भी सामना था, चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग हर टेन्योर इंक्लूडिंग करप्शन एलिगेशंस एंड पॉलिटिकल अपोजिशंस। करप्शन एलिगेशंस थे उनके ऊपर और कुछ पॉलिटिकल अपोजिशंस का भी उनको सामना करना पड़ा। देन नवाज शरीफ का टर्म आया जो कि 1993 to 1999 तक रहा, जो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इसके अंदर कुछ हुई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई जिसमें नवाज शरीफ ने इकोनॉमिक पॉलिसीज वो लेकर आए और इसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स भी इनके दौर के अंदर इंक्लूड थी। देन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स विद द जुडिशरी एंड मिलिट्री और जुडिशरी अदलिया और फौज के साथ दोनों के साथ उनके तनाजात पैदा हो गए, फिर जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह बने। देन मिलिट्री रूल और रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी 1999 to 2008, फिर अगर हम जनरल परवेज मुशरफ के रजीम देखें जो कि 99 से स्टार्ट हुआ था और 2008 तक रहा उनकी मिलिट्री डिक्टेटरशिप। सो जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट्स और डोमेस्टिक पॉलिसीज थी, कारगिल का जो इम्पेक्ट था उनके उसने जो डोमेस्टिक पॉलिसीज के ऊपर गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर डाला। इसके साथ जो पॉलिटिकल रिप्रेशन और लीगल रिफॉर्म्स थी, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज और लीगल रिफॉर्म्स को भी इस दौर में जो है वो उनको भी सप्रेस किया गया था। और इसके साथ फिर हम देखें तो 2008 के अंदर फिर डेमोक्रेसी की वापसी हुई पाकिस्तान के अंदर और 2008 में जनरल इलेक्शन हुए। सो इस तरह से सिविलियन जो रूल था वो रिस्टोर हो गया और आसिफ अली जरदारी जो थे वो इस इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो पाकिस्तान के सदर बन गए। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एफर्ट्स टू रिस्टोर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस, फिर उन्होंने जो है डेमोक्रेटिक को रिस्टोर करने की कोशिश की और इस तरह प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की। देन कंटेम्प्रेरी जो है वो डेमोक्रेसी रही 2008 तक, जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट थी 2008 to 2013, यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से 2013 तक, और इसमें इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज की तरह के लिए एफर्ट्स की गई थी और जो सोशल इकोनॉमिक इशूज थे उनको एड्रेस करने के लिए कोशिश की गई। देन पॉलिटिकल चैलेंजेस आए उनको भी उनके ऊपर भी करप्शन के एलिगेशन लगाए गए और फिर गवर्नेंस के हवाले से भी उनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना था। 2013 से 2018 तक PMLN का दौर आया, उन्होंने इकोनॉमिक डिवेलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस किया। इसके अलावा जो पॉलिटिकल इश्यूज थे उनके मिलिट्री और जुडिशरी के साथ कन्फ्लिक्ट हो गए जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह बने। फिर 2018 के अंदर जो है वो PTA की गवर्नमेंट आई और जो है वो इमरान खान की लीडरशिप के अंदर उन्होंने एंटी करप्शन के ऊपर फोकस किया, इसके साथ साथ गवर्नेंस रिफॉर्म्स की और कुछ चैलेंजेस का जो उनको सामना था जिसमें इकोनॉमिक इशूज पॉलिटिकल अपोजिशन और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से था। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के अंदर कुछ अहम चैलेंजेस थे उनको इंस्टीट्यूशनल वीकनेस जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस थी, चैलेंजेस रिलेटेड टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, तो अदालत यानी कि जो अदालतें अदालत के अंदर अकाउंटेबिलिटी है जो इंडिपेंडेंसी है इसके हवाले से कुछ चैलेंजेस थे। देन सिविल मिलिट्री रिलेशंस, टेंशन बिटवीन सिविलियन गवर्नेंस एंड मिलिट्री इफेक्टिव डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, जो टेंशन पैदा हुई सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री के दरमियान, तो फिर उसने पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी थी उसको जो है वो मुतासर किया। फिर करप्शन और गवर्नेंस अगर हम देखें तो करप्शन इशूज थे, परसिस्टेंट इशूज ऑफ करप्शन इन एफिशिएंसी इन गवर्नेंस। देन पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई, फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन इंक्रीज हो गई, उसके डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा। सो देन इसके हम देखें इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, जिसमें इलेक्शन मैनेजमेंट है, इलेक्शन को मैनेज करने के हवाले से, इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से काफ़ी इशूज रहे। इसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अगर हम रिकमेंडेशन को स्टडी करें, सो जिस तरह से जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनको स्ट्रॉन्ग करना, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्लूड है, यानी इफेक्टिवनेस को इन्हेंस करना, इंक्रीज करना, और इसके साथ जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंडिपेंडेंस बनाना, उनके अंदर रिफॉर्म्स करना जरूरी है। इसके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्डअप करना, फिर ताकि जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं उनको वो हैंडल कर सकें। इसके बाद प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस यानी एंटी करप्शन, मैयाज इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव एंटी करप्शन मैयाज इन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, तो इंक्लूज इसके अंदर इंक्लूड थे इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, इंकरेजिंग इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूसिंग पोलराइजेशन। जो करप्शन के खिलाफ इकदाम और साब का जो मैकेनिज्म है वो नाफिज करना जरूरी था,
then enhancing electoral electoral process and electoral reforms ko increase karna inko transparency ko aur electoral jo process ki credibility hai usko improve karna zaruri hai iske sath hum iske summary dekhte hain so evolution of democracy in pakistan has been marked by periods of military rule and civilian governance with ongoing challenges and opportunities for strengthening democratic practices so jo pakistan ke andar jamhooriyat ki tarakki hai usme fauji hukmrani aur shahri hukmrani ये तमाम पाकिस्तान के अंदर दौर रहे और इसके साथ जो चैलेंजेस थे जम्हूरी अमल को मजबूत करने के हवाले से तो ये इन चैलेंजेस का भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ा सो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस कर